गांडे विधानसभा सीट से जेएमएम के टिकट पर कल्पना सोरेन से निर्वाचन पदाधिकारी गुलाम समदानी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बताते चले कि कल्पना सोरेन सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी जो वर्तमान में उपचुनाव जीतकर गांडे के विधायक हैं। नामांकन के बाद उन्होंने कहा एक बार फिर से गांडे की जनता चुनाव में उन्हें जीत दिलवाएगी। इस मौके पर पूर्व विधायक तथा राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, जमुआ विधायक केदार हाजरा सहित झामुमो के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह से राजदीप डिम्पल की रिपोर्ट। धन्यवाद है आप लोगों का। और ये चुनावी पर्व में नामांकन भी हो गया है और गांडे से मैंने और जमुआ से हमारे आदरणीय केदार हाजरा जी ने भी कर दिया है। तो बस अब हम लोग अपनी सभा के लिए आगे निकल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे गिरिडीह वाले भैया यहाँ नहीं है लेकिन आज गिरिडीह से सुधीर ने भी कर दिया है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार के हमारे यहाँ पर भी हम लोगों ने तीन सदस्यों ने तीन उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया है। और सभी को यही कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी वोटर्स हैं उन सभी को ये पर्व मनाना है और इसमें अपनी पूरी भागीदारी देनी है और अपना वोट सबको देना है। घर में कल्पना में प्रतिद्वंदी को या आप कॉम्पिटिशन कह लीजिए, कंपटीशन तो हर 5 साल में होना ही है। उम्मीदवार हो सकता है सेम भी रह सकते हैं, बदल भी सकते हैं। बस मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी थी और मैंने कम कार्यकाल समय में जो पूरा किया है उसमें मैंने अपना 100% से ज़्यादा दिया है। और मैं ये चाहूँगी कि और भी मुझे समय 5 साल का मिले, मेरी जनता ये सारा आशीर्वाद जैसे उन्होंने पहले भी दिया मुझे फिर से मौका दे और मैं उनके सपनों पे और उनके जो उन्होंने सोच रखी है, विश्वास रखा है, उस पर मैं जरूर। मैडम, विपक्ष का कहना है कि जो विकास